हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री हम 12 आर में एक एक टॉपिक रिवाइज कर लेते, सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि हाँ आप खुद कर लेना, नहीं, हमने किया हुआ है इसीलिए आपको बता रहा है, और आप भी कर सकते हो आसानी से। एक एक चीज़ आप कर सकते हो आराम से, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, सब कुछ एक बार रिवाइज कर सकते हो 12 आर में। इसके बाद तो आप और खुद से आप और कम टाइम में कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं इसमें। सबसे पहले 1857 का रिपोर्ट हम इम्पॉर्टेंट के हिसाब से दे रहे हैं, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको पहले दे रहे हैं। 1857 वाला रिपोर्ट हम शुरुआत में, मान लो हम पहले दिन कुछ 15 15 मिनट की पढ़ाई की है, उसमें 1857 का रिवॉल्ट कंप्लीट होगा। उसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक है, ध्यान देना, ये प्लान आपको किस किस के लिए, सारे पीसीएस के लिए काम करेगा। उसके अलावा एसएससी, बाकी सारा जो फैक्चुअल एग्जाम होता है सबके लिए काम करेगा। इवन बहुत ज़्यादा मैंने इसमें कॉन्सेप्ट पे ही फोकस किया जहाँ ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। उसके अलावा पहले ही शुरुआत में ही हमने कुछ मिसलेनियस टॉपिक है छोटे छोटे, उसको कंप्लीट कर लिया अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर के वीडियो में। जैसे फेमस पर्सनालिटी, बुक्स, मॉन्यूमेंट्स, क्रेमेटोरियम, टूरिस्ट साइट, लैंड रिफॉर्म्स, इंपॉर्टेंट स्लोगन, ये सब हो गया। उसके बाद इनिशियल इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हमने डिस्कस किया कि कैसे फॉर्मेशन हुआ, मॉडरेट्स के बारे में, बंगाल पार्टीशन के बारे में, ये सब के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। ये आपको लेक्चर 20 to 25 ये सब क्या है मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, दो फेज में है ना रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, तो ये पहला फेज वाला है, उसके बाद सेकेंड फेज है। दोनों मात्र 30 30 मिनट का हमने आपको बताया, ये दोनों हम एक साथ भी रख सकते थे, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी जी की बेसिक्स बातें, गांधी जी के बारे में, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद खेरा, रॉयल अटैक्ट, खिलाफत वाला, एनसीएम, स्वराज, ये सब आपको 80 मिनट के वीडियो में कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना का 14 पॉइंट, लाहौर सेशन जो हुआ था, सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फर्स्ट आरटीसी, कराची सेशन, कम्युनल अवार्ड, सेकेंड आरटीसी, ये सब जो है ना आपको लाइन वाइज मिलेगा कि इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद इस पेज से एटलीस्ट आपको ये भी पता हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक हमें पहले करना है। हिस्ट्री में देखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या करता है, काफ़ी क्वेश्चन आपको, अगर कुछ चीज़ें आपको पता है, आपको थोड़ा सा क्रोनोलॉजी पता है कि कौन पहले हुआ था, थोड़ा गवर्नर जनरल वगैरह के बारे में पता है, तो काफ़ी क्वेश्चन आप वैसे भी कर लोगे, ये पूरा आपको 75 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद अगस्त ऑफर, इंडिविजुअल सत्याग्रह, डिमांड फॉर पाकिस्तान, क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडियन नेशनल आर्मी, पावर शेयरिंग फार्मूला, जनरल इलेक्शन, कैबिनेट मिशन, कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ये सब 80 मिनट में कवर हो जाएगा। उसके बाद ये सारे टॉपिक आपको 80 मिनट में कवर हो जाएगा। इसमें इन दोनों टॉपिक में टाइम लग रहा है, बाकी इन दोनों तीनों में बिल्कुल नहीं। एडवेंट ऑफ यूरोपियन, ब्रिटिश का एक्सपेंशन पॉलिसी, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, और उसके बाद एक है लेटर मुगल वाला, ठीक है ना, ये भी 30 मिनट में कवर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एडवेंट ऑफ यूरोपियन में वो बात भी आ जाएगा जो पहले उन्होंने बाकी यूरोपियन से लड़ाई की और बाद में इंडियन से लड़ाई की, ये सब इसी में फेज में हो जाएगा। तो ये सब अगर टाइम अगर जोड़ोगे, ये आपको वीडियो के फॉर्म में मिल रहा है, एक एक का वीडियो, छोटा छोटा वीडियो मिलेगा, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में लेटर मुगल है, उसके बाद ब्रिटिश एडवेंट टू यूरोपियन, 3 वीडियो में कवर हो जाता है। ब्रिटिश का फिर पॉलिसी है, उसके बाद सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, उसके बाद सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, उसके बाद सिख मूवमेंट उसी में हो जाएगा, मुस्लिम मूवमेंट 1857 वाला 15 मिनट में हो, इंडियन नेशनल मूवमेंट, बंगाल, स्वदेशी, ये सब वीडियो है, रिवॉल्यूशनरी, ये सब अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, एक एक टॉपिक है, ये सब छोटा छोटा वीडियो बनाया हुआ है। देखो हैंड रिटन नोट्स है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इवन आप साथ साथ भी नोट्स बना सकते हो, नहीं तो आपको क्राउन बुक ले लिया या लूसेंट ले लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये सब उसमें मिल ही जाएगा। मेजॉरिटी जो नहीं मिलेगा, आप थोड़ा हाथ से भी तो लिख ही सकते हो ना, ठीक है ना। तो ये सब हम कवर अप कर रहे हैं इसमें, और ये ऑलरेडी कंप्लीट कोर्स कंप्लीट है, मतलब आप कंप्लीट मतलब ये सारा कोर्स कंप्लीट है। इसमें से कुछ कुछ वीडियो बनाना बाकी है, मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट है, एंशिएंट, मेडाइवल, ये सब पूरा कंप्लीट है, पॉलिटी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस बचा हुआ है थोड़ा सा बायोलॉजी और फिजिक्स, ये हम अभी कवर कर रहे हैं, ठीक है।
ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो इस कोर्स को, और हर एक सब्जेक्ट को आप इसी तरह कुछ समय में ही, मान लो एक दिन में आप एक कंप्लीट सब्जेक्ट रिवाइज कर ले रहे हो, इससे अच्छी बात क्या हो जाएगी। वीडियो फॉर्म में आपके वीडियो से ज़्यादा देखने से फ़ायदा ये होता है कि आपके दिमाग में, मतलब आपका सिंपल समझो, वीडियो देख रहे हो, आपका आँख भी चल रहा है, आप कुछ कुछ बीच में बोल रहे हो तो आपका जबान भी चल रहा है, जितना ज़्यादा सेंसेस काम करता रहता है ना एक साथ, हैंड से कुछ कुछ लिख रहा है लिख रहे हो, तो जितना ज़्यादा सेंसेस आपका एक्टिव होगा उतना ज़्यादा आप ज़्यादा याद रख सकते हो लंबे समय तक, ठीक है ना। तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। पूरा क्राउन्स का कोर्स खरीदने के लिए आपको प्राइस पड़ेगा सिर्फ 1000 रुपये, पूरा सब्जेक्ट, एक एक वीडियो, छोटा छोटा वीडियो मिल जा रहा है आपको, और अभी इस पे 10% ऑफ हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम इसी तरह बाकी सब्जेक्ट का भी हम लाएंगे, ठीक है। चलिए, बाकी सब्जेक्ट का भी हम कैसे कैसे कम टाइम में कर ले रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, थैंक यू सो मच।